खबर कटनी से। कटनी के युवाओं को पीएससी और एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर कोचिंग करने के लिए अब भोपाल और इंदौर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अब अदानी फाउंडेशन और जिला प्रशासन के सहयोग से शुरू किए गए भारत निर्माण कोचिंग में निःशुल्क कोचिंग स्मार्ट क्लास के माध्यम से मिलेगी। ये कोचिंग कटनी और कैमूर में शुरू की गई है। कैमूर के एसीसी उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में भारत निर्माण कोचिंग क्लास के बैच के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर अभि प्रसाद और अदानी फाउंडेशन के अमेहटा सीमेंट प्लांट के हेड अतुल दत्ता की मौजूदगी में कोचिंग की शुरुआत की गई। इस मौके पर नगर परिषद अध्यक्ष मनीषा शर्मा भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि भारत निर्माण कोचिंग में प्रवेश के लिए दो दिन पहले एंट्रेंस एग्जाम आयोजित किया गया था, जिसमें कटनी में 200 छात्रों और कैमूर में कोचिंग के लिए 100 छात्रों का चयन हुआ है। इन छात्रों को स्मार्ट क्लास के साथ कोचिंग मिलेगी, जिससे ये छात्र अपनी मंजिल को पा सकेंगे। कटनी जिले के बच्चों को पीएससी और एसएससी की तैयारी हेतु निशुल्क प्रशिक्षण मिल सके, इसके तहत हमने दो चैप्टर शुरू किए हैं। एक कटनी में, जहां लगभग 200 बच्चे पीएससी और एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, और दूसरा कैमूर, जहां पे हमारे लगभग 100 बच्चे पीएससी और एसएससी की तैयारी करेंगे प्रशिक्षण लेके। ये कोचिंग पूर्णतः निःशुल्क है और इसको संचालन करने में हमें अडानी फाउंडेशन का सहयोग मिल रहा है। अडानी फाउंडेशन द्वारा कैमूर में और कटनी में दोनों जगह एक साथ ही आज भारत निर्माण कोचिंग का शुरुआत किया गया है, जो निःशुल्क है। इस कोचिंग में जो प्रतियोगी प्रतिभागी छात्राएं हैं, जो विभिन्न प्रतियोगिता के लिए, उनको यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। यहाँ पर हाईटेक स्मार्ट बोर्ड भी है, स्मार्ट क्लास लगाई जाएगी, जिसके माध्यम से छात्रों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, कोचिंग दिया जाएगा। यहाँ पर पीएससी एसएससी और जैसा कि अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न जो कॉम्पिटिशन प्रतिस्पर्धा जो प्रतियोगिता है, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसमें यह छात्र उसकी तैयारी कराई जाएगी। हम छात्रों से यहाँ जानकारी लेंगे कि आखिर किस किस परीक्षा के लिए वो यहाँ पर तैयारी करेंगे और कैसा लग रहा है आपको, ये बताइए। मैं एसएससी की वो करने जा रही हूँ। मेरे को पढ़ाई के लिए, मतलब मैं इतनी वो नहीं थी, तो मुझे भारत निर्माण कोचिंग का पता चला, जिससे मैं अडानी फाउंडेशन का बहुत आभार करती हूँ, जिससे मैं इस कोचिंग की लाभ उठा सकती हूँ, इससे मुझे बहुत फायदा हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तस्कीन जी है। तस्कीन जी, तो कौन सा कोचिंग करना चाहती हैं? एसएससी का। एसएससी का। ये तस्कीन जी हैं जिन्होंने बताया कि यह एसएससी की तैयारी करना चाहती हैं, जिनका यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम हुआ था और चयन हो चुका है। इसी तरह अन्य छात्र हैं, हम पूछेंगे कि बताइए नाम क्या और क्या तैयारी। सर, मेरा नाम अर्चना तोमर है और मैं भारत निर्माण कोचिंग की संस्था में यहाँ पे जो अभी फ्री शुरू हुई है, तो इसमें मैं पीएससी की तैयारी के लिए आई हुई हूँ। और मैं चूंकि बाहर नहीं जा पा रही थी, फैमिली और इन पैसों का भी थोड़ा प्रॉब्लम था, तो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोचिंग शुरू हुई है, तो मैं इसका लाभ उठा पाऊंगी। इसमें क्या क्या सुविधाएं देने को बोला गया है? सर, इसमें फ्री फर्स्ट तो फ्री है, और प्लस सर यहाँ पे पास में ही मेरा घर है, और सर यहाँ पे लाइब्रेरी की भी सुविधा है। क्या नाम बताएं? अर्चना तोमर। तो अर्चना तोमर जी हैं जो यहाँ पर यह भी कोचिंग लेंगे पीएससी का। इसी तरह से और भी जो छात्राएं हैं, हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपका किस में सिलेक्शन हुआ, किस चीज एसएससी के लिए? हाँ। कोचिंग क्लास तो कह रहे हैं कल से चालू होगी। आज उद्घाटन था? हाँ, आज ओपनिंग था इसका। तो इसमें जो है आपने क्या किया था, एंट्रेंस दिया था? हाँ, मैंने पेपर दिया था, फिर मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मैं आज आई थी और कल से। कैसा लग रहा है यहाँ पर सिलेक्शन होने के बाद आपको? अच्छा फील लग रहा है। फिर भोपाल इंदौर जाना पड़ता? हाँ, वो तो है, बहुत बड़े शहरों में जाना पड़ता, इसलिए अब यहाँ पे है तो थोड़ा ठीक लग रहा है कि अपना रहेगा यहाँ पे। अंजलि त्रिपाठी। ये है अंजलि त्रिपाठी जी, जो यहाँ पर एसएससी के लिए चयनित की गई हैं, जिनको निशुल्क प्रशिक्षण यहाँ दिया जाएगा। तो ये आपको बता दें कि कटनी जिले में जितने दो जगह यहाँ पर निशुल्क कोचिंग दी जा रही है, अडानी फाउंडेशन द्वारा, जिला प्रशासन और जो सीमेंट वर्क्स अमेहटा एसीसी का और कैमूर प्लांट के सहयोग से। तो निश्चित रूप से यहाँ पर कटनी जिले के छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में निःशुल्क कोचिंग जो है, तो कहीं न कहीं अपने मुकाम पर हासिल होंगे। कटनी से राम बिहारी गुप्ता, एनडीटीवी।